सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं वापस आ चुका हूं एक और वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट की। तो गाइस, आज के टाइम के लिए लेकर आया हूं क्राफ्टेबल स्ट्रक्चर्स मॉड। और गाइस, इस मॉड को यूज करने के बाद आपने माइनक्राफ्ट में स्ट्रक्चर्स को क्राफ्ट कर सकते हो, जैसे कि हो गई एक डेजर्ट टेम्पल, एक पिलेजर आउटपोस्ट और एक रुइन पोर्टल। तो चलो गाइस, मैं जल्दी से आपको शो कर देता हूं कि आप इन स्ट्रक्चर्स को कैसे क्राफ्ट कर सकते हो, और एट द एंड आपको ये भी शो कर दूंगा कि आप इस मॉड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पहले तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक क्राफ्टिंग टेबल, ताकि मैं आपको इनकी क्राफ्टिंग रेसिपी शो कर पाऊँ, और डायरेक्टली मैं इनके स्पॉन एग्स या फिर जो भी कहो वॉट एवर, इनको डायरेक्टली क्रिएटिव से ले लेता हूँ। वैसे आप इनको क्राफ्ट भी कर सकते हो, तभी इस मॉड का नाम है क्राफ्टेबल स्ट्रक्चर्स। वैसे गाइस, यहाँ पे आपको करेंटली ओनली 3 स्ट्रक्चर्स ही मिलेंगे, जिनके नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो चलो यहाँ पे जल्दी से अपना जो गेम मोड है ना, उसको करते हैं सर्वाइवल में, ताकि हम इन स्ट्रक्चर्स को जल्दी से क्राफ्टिंग रेस कर पाए, मतलब क्राफ्ट की उनकी क्राफ्टिंग ऐसे भी आपको शो कर पाऊँ, जो भी बोलो। तो इसको तो ऑलरेडी ऑल पे कर चुका हूँ मैं, और यहाँ पे आपको आइटम्स के सेक्शन में यहाँ पे थोड़ा स्क्रोल ऑन करना है मेरे को, और यहाँ पे एकदम लास्ट में आई थिंक सो मिल जाएगा, ये रहा हमारा पिलेजर आउटपोस्ट, जिसके आप रेसिपी देख सकते हो, और बाकी दो आपको नेचर के सेक्शन में मिल जाएंगे, और इन दोनों की क्राफ्टिंग रेसिपी भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आफ्टर क्राफ्टिंग आपको वापस से अपना गेम मोड कर लेना है क्रिएटिव में। ऐसा नहीं, आप इसको सर्वाइवल में भी स्पॉन कर सकते हो, पर मैंने अपना जो गेम मोड है उसको इसलिए सर्वाइवल में कर लिया है, ताकि अगर अपने को और भी वापस स्ट्रक्चर लेने हो तब उनको क्राफ्ट करने कौन बैठेगा। तो इनको स्पॉन करने के लिए सिंपली अपने स्क्रीन के ऊपर लॉन्ग प्रेस कीजिए, और यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर जो है वो स्पॉन हो चुका है। यहाँ पे आपको रैंडम लूट हर बार मिलती रहेगी जितनी टाइम भी आप इनको स्पॉन करोगे। तो ये रहा हमारा टेम्पल, टेम्पल को भी मैं स्पॉन कर दिया है, और ये हवा में स्पॉन हो गया, कोई नहीं तो क्योंकि मैंने इसको हवा में स्पॉन करा, तो हवा में स्पॉन होगा, और दोनों एकदम मिक्स हो चुके हैं। तो कोई नहीं, नीचे चलते हैं, और ये हमारी प्रेशर प्लेट, इसके नीचे है कुछ हमारे TNT, और यहाँ पे आपको कुछ भी रैंडम लूट मिल जाएगा, रैंडम ओपी लूट, यानी कि एनचांटेड बुक्स और गोल्डन एप्पल्स, एनचांटेड एप्पल्स, डायमंड्स और भी तगड़े तगड़े रेयर रेयर लूट। तो यहाँ पे हमारा लास्ट स्ट्रक्चर जो है वो है पिलेजर आउटपोस्ट, तो इसको भी यहाँ पे स्पॉन करते हैं, और अपना जो पिलेजर आउटपोस्ट है वो पूरा पूरा हमारा डेजर्ट टेम्पल के अंदर घुस चुका है। और गाइस, आप इसके ऊपर फार्म भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपने जो पिलेजर्स है ना वो भी स्पॉन होते रहेंगे, तो एकदम ओरिजिनल जैसा पिलेजर आउटपोस्ट है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो वापस अपने स्ट्रक्चर्स वापस एक बार अपने इन्वेंटरी के अंदर लेते हैं। तो यहाँ पे एक आइटम, मतलब एक बार आप इसको एक ही बार यूज कर सकते हो, भले आप क्रिएटिव में क्यों ना हो। तो यहाँ पे अपना वापस से प्लेजर आउटपोस्ट स्पॉन करते हैं, और वो हवा में स्पॉन हो गया, मतलब बहुत ज्यादा मजेदार मॉड है, आपको जरूर पसंद आएगा। और ये रहा हमारा टेंपल जो कि वापस स्पॉन हो चुका है, तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं लूट चेंज हुई है या फिर नहीं। तो ये रहा हमारा इसका टॉप, और यहाँ से नीचे चलते हैं, और नीचे तो पानी आ गया, तो कोई नहीं, यहाँ पे भी हवा में TNT पड़े हुए हैं, और इसके अंदर देखो लूट चेंज हो चुका है एज यू कैन सी, और यहाँ पे एमराल्ड्स आ चुके हैं, और थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल्स, और यहाँ पे एक और एनचांटेड बुक है जो कि है लॉयल्टी 2, और यहाँ पे गोल्डन हॉर्स आर्मर और एक नॉर्मल आयरन हॉर्स आर्मर पड़ा हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। और लास्ट स्ट्रक्चर है वो है हमारा रुइन पोर्टल, तो इसको भी यहाँ पे स्पॉन करते हैं, और ये भी इसके अंदर घुस चुका है, तो कोई नहीं, इसके अंदर भी यहाँ पे आप देखें तो सिल टच 1, एफिशिएंसी 3 और स्माइट 2 और फायर एस्पेक्ट 1, अलग अलग टाइप की आपको ओपी लूट मिलती रहेगी। तो चलो गाइस, मैं जल्दी से आपको ये भी शो कर देता हूँ कि आप इस मॉड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने कर दिया 7 क्विट, और तो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर ही दिए, जल्दी जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। और आफ्टर डाउनलोडिंग आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फाइल के ऊपर टैप करना है, आपका माइनक्राफ्ट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। पर अगर से कुछ नहीं हुए, कुछ एक्सट्रैक्टिंग की दिक्कत पड़े, तो डोंट वरी, मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है हाउ टू इंस्टॉल मॉड्स, उसको आप जाकर देख सकते हैं, बड़ी आसानी से आप भी मॉड्स इंस्टॉल करना सीख जाओगे। और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने माइनक्राफ्ट को ओपन करना, और यहाँ पे करनी है क्रिएटिव वर्ल्ड, और वाइल क्रिएटिंग यहाँ पे आपको एडवांस सेक्शन में रिसोर्स पैक में मिल जाएगा क्राफ्टेबल स्ट्रक्चर, तो सिंपली इसको एक्टिवेट कर दीजिए। सेम बिहेवियर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा क्राफ्टेबल स्ट्रक्चर, तो सिंपली इसको यहाँ पर भी एक्टिवेट कर दीजिए, और अपने गेम सेटिंग में आपको स्क्रोल डाउन करके मिल जाएगा हॉलीडे क्रिएटर फीचर्स, क्रिएशन ऑफ कस्टम बायोम्स और एडिशनल मॉडिंग कैपेबिलिटीज, तीनों को बारी बारी करके डाउन कर दीजिए, और लास्टली अपनी वर्ल्ड को कर दीजिए क्रिएट। और जैसे ही आप अपनी वर्ल्ड को क्रिएट कर दोगे, आपका मॉड एकदम अच्छे से वर्क करने लग जाएगा, और आप भी स्ट्रक्चर्स को क्राफ्ट कर पाओगे। तो होप गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज लाइक दिस, और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।